अगस्त को भाकपा मले एवं अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा की ओर से राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत चकाई चौक पर भाकपा माले एवं खेत ग्रामसभा के कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चकाई चौक प्रदर्शन किया। तत्पश्चात एक सभा की गई। सभा की अध्यक्षता खेत ग्रामसभा के राष्ट्रीय पार्षद कामरेड कालू मारांडी ने किया। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के प्रखंड सचिव मनोज कुमार पांडे ने कहा कि 5 महीने के लॉकडाउन में देश का बंटाधार हो गया है, सभी सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है, लाखों की संख्या में छटनी की जा रही है, लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर जो बिहार लौटकर आए हैं आज उनके पास रोजी रोटी का सवाल उठ गया है। सरकार इनके बारे में नहीं सोचकर झूठी लफ्जबाजी कर रही है। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी चकाई को सौंपा गया। मुख्य मांगे इस प्रकार है, प्रवासी मजदूर समेत सभी मजदूरों को 10,000 रुपए कोरोना लॉकडाउन भत्ता दिया जाए, स्वयं सहायता समूह जीविका समूह सहित के CC व अन्य छोटे लोन माफ किया जाए, सभी गरीब मजदूरों के लिए राशन रोजगार का प्रबंध किया जाए, मनरेगा में सभी मजदूरों को 200 दिन काम और 500 रुपए दैनिक मजदूरी की गारंटी दिया जाए, 5 दलित गरीब विरोधी नई शिक्षा नीति 2020 वापस लिया जाए, मनरेगा को सभी मौसम की योजना बनाई जाए और इसे प्रत्यक्ष कृषि कार्य से जोड़ा जाए, राशन कार्ड से वंचित सभी गरीबों को शीघ्र राशन कार्ड बनाने की गारंटी दिया जाए, प्रवासी मजदूरों को राशन रोजगार दिया जाए, सभी गरीब छात्रों को कोरोना काल में पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन दिया जाए, सभी प्राइवेट स्कूलों में लॉकडाउन अवधि तक स्कूल फीस माफ किया जाए। कार्यक्रम में शिवन रॉय, संजन रॉय, वासुदेव हंसदा, राजकिशोर किस्की, राधे साह, वकील पंडित, लट्टू पंडित, खूबलाल राणा, श्याम चौड़े, गोविंद मंडल, इंद्रदेव गोस्वामी, खे ग्रामसा के राज्य पार्षद मोहम्मद सलीम अंसारी समेत सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। आज हम लोग चकाई चौक पर पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि जो लॉकडाउन के वक्त सभी प्रवासी मजदूर बेरोजगार बैठे हुए हैं उनको रोजगार देने की तत्काल गारंटी किया जाए एवं लॉकडाउन भत्ता के रूप में उन्हें 10,000 रुपया लॉकडाउन भत्ता दिया जाए। दूसरी ओर 2020 जो अध्यादेश सरकार ने लाया है ये देश के पर्यावरण के बिल्कुल विरुद्ध है, देश के पर्यावरण पर इससे खतरा है। दूसरी ओर मनरेगा को मैं मजदूरों को यदि 200 दिन काम की गारंटी हो जाती है तो हमको लगता है कि एक मजदूरों का पलायन जो है रुकेगा, लोगों को रोजगार मिलेगी। और माले के प्रखंड सचिव मनोज पाणे जी, शिवन जी, संजय जी, सलीम जी और कोने कोने से आए हुए सभी साथियों को अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा की ओर से मैं लाल सलाम पेश करता हूँ। साथियों, आप लोग जान रहे हैं ये मार्च महीना से ये पूरा क्षेत्र लॉकडाउन में, उसी समय ये सरकार को अचानक घोषणा नहीं करना चाहिए था। एक राज्य से दूसरा राज्य में प्रवासी मजदूर जब गए थे उसको व्यवस्था करके अपना राज्य में पहुंचना के अपना गांव में पहुंचने के लिए काम करना चाहिए था ये सरकार को, लेकिन ये सरकार ये व्यवस्था नहीं किया, अचानक लॉकडाउन किया। जैसे नोटबंदी किया था, इसी सवाल पर प्रवासी मजदूर को भी अचानक लॉकडाउन लगा दिया। इसलिए सरकार से हम लोग पूछना चाहते हैं, सरकार आपका देश नहीं है, ये देश यहाँ मजदूर का देश है, यहाँ किसानों का देश है, आपका देश नहीं है। इसलिए नीतीश बाबू सही मोदी जी आपको नहीं चलने देंगे, आपका किसान, आपका मजदूर, आपका यहाँ गरीबों को जनता पूरा तैयार हो गया। आप जनता के मजदूर के किसानों पर, प्रवासी के मजदूर पर आप बहुत धोखा दिए। उस पहली जब लॉकडाउन लगा बहुत तकलीफ से एक राज्य से दूसरे राज्य में आने में, गांव पहुंचने में यहां का प्रवासी मजदूर बहुत दुख तकलीफ कटा है। कोई पैदल आया,
कोई साइकिल पुराना साइकिल खरीद करके आया, कोई मोटरसाइकिल से आया, बहुत स्थिति से आया, लेकिन ये सरकार ये बेनकीमी सरकार है। इसलिए हम लोग का मांग है, पूरा आज बिहार का मांग है, जो प्रवासी मजदूर हैं उस प्रवासी मजदूर के लिए तत्काल आप लोग को 10,000 आप दीजिए, और ना तो नौकरी दीजिए, नहीं तो आपका देश को नहीं चलने देंगे। इसलिए आज सचिवों इस जो हम दूर दराज से आए हुए हमारे किसान बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, हमारे महिला बंधुओं, हम अपने पार्टी की ओर से उपस्थित सभी को हार्दिक क्रांतिकारी करते हुए राज सलाम पेश करता हूँ। साथियों, आज इस चकाई की धरती में ही नहीं बल्कि ये पूरे देश में और ये पूरे हिंदुस्तान में और ये पूरे बिहार में मोदी और ये नीतीश की शासन जो चल रही है, ये हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि आज हमारा पूरा हिंदुस्तान 6 महीने से लॉकडाउन की घड़ी में फंसा हुआ है। आज देखा जाए हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चौपट हो गया है। और साथियों, आज हम लोग यहाँ जो धरना प्रदर्शन में उपस्थित हैं, आज ये सिर्फ चकाई में ही नहीं विभिन्न कोने कोने में ये चीज हो रहा है। और इस धरना प्रदर्शन से हम ये मांग करते हैं कि जो लॉकडाउन के समय में आज पूरे हिंदुस्तान से हमारे प्रवासी मजदूर जो यानी कि अपना मजदूरी छोड़कर बाहर से घर आए, कौन ऐसे साथी लोग हैं, कौन ऐसे प्रवासी मजदूर है जो कि बम्बे से घर साइकिल से चला कर आए, कौन ऐसे मजदूर है जो ट्रैक्टर से आए, कौन ऐसे मजदूर है जो पैदल आए। आज देखा जाए हमारे प्रवासी मजदूरों की स्थिति दयनीय हो गया है। और आज ये देख रहे हैं दूसरी सरकार जो आप देश में बैठा हुआ है, ये गद्दी पर बैठा हुआ है, ये सरकार सिर्फ हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की काम कर रही है। तो आज साथियों, समझने की बात है, जहाँ तक हमारे जनता की, जहाँ तक हमारे प्रवासी मजदूरों की राशन क्राशन की सवाल है, वो राशन क्राशन की सवाल नहीं करती है और एक कोरोना को लाकर हमारे जनता के अधिकार को छीनने की काम कर रही है। साथियों, देखा जाए ये सरकार धर्म के नाम पर गरीबों के अधिकार को लूटा जा रहा है। जैसा अध्यक्षता कर रहे कालू मंडी ने कह चुका है कि अभी हमारा स्थिति है राशन और किराशन का, लेकिन देखा जाए पूरे ब्लॉक में देखा जाए जहाँ सरकार अपना स्वयं सहायता समिति ग्रुप चला रही है, बस उसी गांव में जाकर लोगों के राशन किराशन का सवाल को मतलब फॉर्म भर के अब उन्हीं लोगों का राशन कार्ड दिया गया। लेकिन जिनको राशन कार्ड की जरूरत है उनको राशन कार्ड आज तक ये सरकार नहीं दिया है। तो हम लोग ने आज मांग करते हैं कि यह प्रखंड विकास प्राधिकारी हो या प्रखंड प्रशासन हो या जिला प्रशासन क्यों हो, लेकिन हम लोग पूरे गांव-गांव में सर्वे करके आई वीडियो को हम लोग ऐलान देंगे कि आने वाले दिन में जो राशन कार्ड से वंचित है उन्हें भी राशन कार्ड देने की गारंटी किया जाए। ये लड़ाई हम सिर्फ यहाँ तक नहीं, संसद तक होना पड़े, ये संसद तक ये लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, दूसरी ओर देखा जाए ये सरकार केवल कह रही है कि लॉकडाउन है, लेकिन ये लॉकडाउन का कोई पालन नहीं है। आप लोग देख सकते हैं 5 अगस्त को अयोध्या में जिस समय राम मंदिर का शिलान्यास हो रही थी, उस समय लाखों की भीड़ जमाया हुआ था। तो मैं कहना चाहता हूँ और सरकार से पूछना चाहता हूँ, जब मोदी सरकार जिस दिन तुम अयोध्या राम मंदिर में वहाँ के भूमि पूजन में तुम्हारे के शामिल था, उस समय जब आपको होना नहीं था, लेकिन आज देखा जाए अगर जब विद्यालय खोल दिया जाए तो कहा जाएगा विद्यालय में पढ़ाई नहीं होगा, विद्यालय में कोरोना होता है। तो मैं वह मोदी को कहना चाहता हूँ या नीतीश सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, 29 तारीख को नीतीश कुमार आके चकाई प्रखंड के माधोपुर पार्क में आके उसने उद्घाटन किया, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ वहाँ भी सैकड़ों का भीड़ जमा हुआ था। तो क्या वहाँ मतलब लॉकडाउन नहीं था, क्या वहाँ कोरोना नहीं आता है, लेकिन एक विद्यालय खोला जाए तो यही सरकार के छवि निकलता है। प्रशासन कहती है कि यहाँ कोरोना है, यहाँ मास्क लगाना है, लेकिन सरकार जहाँ तुम भीड़ लगा के भाषण कर रहे हो क्या वहाँ कोरोना नहीं जाता है। ऐसा समझने की बात है, पूरे हिंदुस्तान में भी किसी को कोरोना हुआ है तो वो अमीरों को हुआ है, गरीबों और मजदूरों को नहीं हुआ है। साथियों, ये जनता हम लोग पूरे हिंदुस्तान में सबक सिखाएंगे कि जो भी एमपी एमएलए बन के जाता है, वक्त आ रहा है चुनाव की, उन लोग केवल देखिएगा 5 साल में एक बार चुनाव के वक्त निकलती है, लेकिन ये हमारा लाल झंडा की पार्टी है जो 24 घंटा 365 दिन ये प्रवासी मजदूरों के बीच रहने के काम करती है। और हमारे लाल झंडे के सिपाही मतलब जनता के विभिन्न सवाल को मुद्दा को उठाते हैं। लेकिन मैं इस सभा से मैं कहना चाहता हूँ, ये सरकार को कहना चाहता हूँ,
का राशन कार्ड नहीं है उसको त्वरित उसको जो है मतलब सर्वे किया जाए और उनको राशन कार्ड दिया जाए, और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है तो उनको भी ये लॉकडाउन जब तक रहती है 10,000 रुपया प्रत्येक भत्ता उसको महीना देना होगा, और नहीं तो 200 दिन का काम है 500 रुपया दिन दैनिक मजदूरी देने की गारंटी करना होगा, और यदि वो गारंटी नहीं लेते हैं तो इनके लिए अनिश्चितकालीन धरना क्यों ना देना पड़े, लेकिन हम लोग धरना देंगे और यहाँ से लेकर जिला तक भी धरना देंगे। साथियों बहुत सारे वक्त आए, इतना ही बिल्कुल मैं अपने समूह से।